बताइए सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या वापस कॉन्फ्रेंस का? अच्छा जी, पहले तुम इतने जो आए हो अपना कीमती टाइम कढ़ी है, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया जनाब का। तुसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सा मेन मुद्दा हा भी जो म्यूनसिपल कमेटी का ही तुम एक आगाज़ किया था भी कि इतने विकास होया और विकास होया ज सबका साथ सबका विकास, एक नारा लगा म्यूनसिपल कमेटी का सबका साथ सबका विकास, जबकि असी इसी नकार ने इतने कोई विकास नहीं होया, अपना ही विकास होया, बल्कि लोगों का विकास नहीं होया। साड़ी असें जी म्यूनसिपल साड़ी कमेटी की गली है वार्ड नंबर 8 की, अज तो लेकर 25 साल हुई असी बने, वह कि साढ़े को जो चौधरी साहब फॉरेस्ट मंत्री है उन्हें सा की 15 लाख रुपया भेजे हा इस गली की, और जे साहब आए इस गली की बकायदा विद पैमाइश हुई, और पैमाइश होने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लगी है, म्यूनसिपल कमेटी की इलैक्शन होए, उसके बाद जो म्यूनसिपल का चेयरमैन बने वो सारे साढ़े पैसे जो लैप्स हुई है, पता नहीं कि वार्डा जी ने लाए कि नहीं लाए, और विकास जो जिन्ना भी विकास होता खाली 4-5 वार्डा का गया होता, उइयो गलियां पुटी याद उइयो बनाई याद, पता नहीं क्या लाते ना। तुम्हें भी देखी मेरी गली बनी बाहर बनी है 15 साल हो बने, गैंती लाइए पुटो च पटोइया की गल करो। अच्छा साड़ी गली जी 25 साल की, वो अंदर पानी खड़ोता, छोटे छोटे बच्चे जाते, बरसात का इन्ना पानी खड़ोता भी, बल्कि एक तो बीमारी का डर है, गंदा पानी खड़ोता ना, उसकी निकासी है बाहर जाने की ना इधर ही जा सकता। दूई चीज़ तुम बहरों आए इस रोड अटल सेतु वाले रोड तो ठीक है, तुम आए दिखे इतने ड्रेन सिस्टम कोई है साड़ी? असी महाराज गरीफा ने भी गलाया, ADC उन्हें भी गलाया, पहले थापा रहे ADC, हूँ ADC बस साढ़े बसूरी जे अजीत सिंह होरें इन्हें भी गलाया, चलो ईमानदारी अच्छे अफसर न इन्हें गलाया, इतने भी साड़ी सुनवाई कोई नहीं हुई। तुम देखो ड्रेन है नहीं, जरा पानी है जो ये सड़क का पानी है, ये साढ़े घर ही वापस बस पिछे बैग होंगे, अगर घर साढ़े ढी जाए तो अच्छा लगना, जब असं इन हर जगह हायर उपर भी एप्लीकेशन पाई हैं पर साड़ी कोई सुनवाई नहीं है। अद्धी जी असी गौरमेंट अगर दुआ करने फरियाद ही करके और के करना, असं फरियाद ही कर सकते, अपील कर सकते भी अद्धी नाली तुम बनाई, अद्धी नाली तुम होर बनाई लो। दूई चीज़ ये है असी ये रिलेटिड ही बोल के वार्ड नंबर 8 दे असें तुसें में एक गल दसंग, ये की है भी सारे बंदे इस रोड के पैसे मिली है, 15 साल हुई इसी गौरमेंट ने रोड की लेदा। अच्छा तहसीलदार बसोली ने यह कागज ने साढ़े तहसीलदार बसोली ने 6 साढ़े बनाई थे, करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए हैं, मेगा प्रोजेक्ट के काम चल रहे हैं, करोड़ों रुपए के क्या विकास कार्य कुछ गिनवा सकते हैं आपकी नज़र में क्या? नहीं जी, हमारी नज़रों में सिर्फ करोड़ों रुपये ही हैं, हमें कुछ नहीं लगता। देखो एक मैं फेसबुक पर देख रहा था वार्ड नंबर 10 की गली जो सफाई करवा रहे थे, 2 महीने रह गए अब इनके, तो जब भी सफाई अगर पहले जो 5 साल में करवाते थे एक एक गली भी करवाते तो कितना काम होना था, बिल्कुल कोई भी एक पैसा पूसा हमारी समझते कोई नहीं लगा, सिर्फ नाम का है करोड़ों रुपये लग गया जी, वो हो गया ये प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट नहीं। सफाई व्यवस्था की मैं अगर बात करूँ तो रोज़ाना 2 से 3 टन कचरा जो है बसोली से निकलता है और म्यूनसिपल कमेटी उसको खुले में फेंकती है, चाहे वो BSNL के नज़दीक हो चाहे वो बरबारगढ़ के जंगलों में हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई अधिकारी उसकी सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई उसमें संज्ञान नहीं ले रहा है, क्या कहेंगे? संज्ञान तो उसमें कोई नहीं ले रहा है, देखो कोई ना कोई इनको चाहिए भी जगह कहीं ले लें, सबको चाहिए है ना, कोई 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 नहीं, इतनी ज़मीन है हमारी, शाम लाट जगह है, फॉरेस्ट लैंड है, कोई ना कोई एक प्लाट ले लें वहाँ, उसको कचरे को फेंकें जहाँ उसको ख़त्म कर दें, जलाएं कुछ ना करें, ऐसे क्यों फेंकना किसी की जगह पर, उससे बीमारी पैदा होगी क्या नहीं होगी?